जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली बॉर्डर पर 3 काले कानूनों की वापसी को लेकर और एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए किसान 13 महीने धरने पर बैठे थे। 380 दिन किसान के धरने के बाद भारत सरकार, मोदी सरकार ने किसानों से वादा किया कि हम काला कानून ये वापस लेते हैं, और उसके बाद किसानों ने अपना धरना स्थगित किया था। और सरकार और किसानों के साथ एक बात तय हुई थी कि बिजली कानून को वो वापस करेगी, 3 कानून उसने वापस कर लिए, और एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए एक समिति बनेगी जो तय करेगी कि सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी रूप से मिले। लेकिन 2 साल बाद भी 2022 में चुनाव था, उसके 6 महीने पहले इन्होंने कानून वापस लिया, और 2 साल बाद भी 3 बार भारत सरकार को अल्टीमेटम किसानों ने दिया। अभी 26, 27, 28 नवंबर 2023 को सारे देश में प्रदेश मुख्यालय पर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया कि भारत सरकार अपने वादे से मुकर रही है। आज 26 जनवरी के दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है कि संपूर्ण भारत में किसान ट्रैक्टर परेड निकालकर तिरंगे के साथ अपनी उन मांगों के लिए दोहराएंगे, इस सरकार पर दबाव बनाएंगे, और 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव आने वाला है और नई सरकार का गठन होगा। इस सरकार ने अगर किसानों की मांगों को नहीं माना, अपने वादे पर खरी नहीं उतरे, तो संयुक्त किसान मोर्चा इसके खिलाफ देश में एक व्यापक आंदोलन चलाएगा, और आने वाली जो भी भारत सरकार बने उसके ऊपर ये दबाव रहे कि वो किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता से अपनी नीति में शामिल करें। इन्हीं मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की काल के ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा अमेठी ये ट्रैक्टर मार्च पर तिरंगा परेड जिला मुख्यालय पर निकाल रहा है। हम लोगों का रास्ता हम अमेठी रोड से चलकर और बाईपास से होते हुए फिर सुल्तानपुर से इसी मार्ग पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद फिर जो साथी जहाँ से आए हैं अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। तो अब हम निवेदन करेंगे कि ट्रैक्टर स्टार्ट किया जाए और ये 26 जनवरी की किसान गणतंत्र परेड का शुभारंभ किया जाए।